Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and we'll be doing today numericals based on potentiometer and meter bridge का topic. And मुझे आज की video को start करने से पहले बहुत सारी announcements हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बतानी है. पहली first and the foremost चीज़ क्या है बताने के लिए, जो भी लोग मेरे videos को follow कर रहे हैं, जो भी लोग मेरे videos को पसंद कर रहे हैं और उनका purpose, उनके concepts clear हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी news है. News क्या है? अच्छी हो सकती है, आएगी सब लोग के लिए. एक क्विज मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो कि ऑर्गेनाइज मैं करने वाली हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, विच क्विज, जिस क्विज के बारे में बात कर रही हूँ दैट कंटेन्स न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू टाइप न्यूमेरिकल्स, जो कि जेई मेन से लेकर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी आपका टेस्ट है उसमें हर तरह का टाइप का क्वेश्चन है. सो आप अपने कैलिबर को चेक करने के लिए वो क्विज को जरूर सॉल्व करें एक बार. और वो क्विज का लिंक जो है आपको चैनल का जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यार क्विज का लिंक मिल जाएगा, वहां ओपन करना, क्विज को अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर चेक करना. और आपको पता लगेगा कि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया है. और हम वैसे तो ब्रॉड कंसेप्ट जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के उनको कवर कर चुके हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उस क्विज को जरूर एक बार जाकर चेक करें और अपना कैलिबर को भी चेक करें. ये तो थी फर्स्ट अनाउंसमेंट. अब सेकेंड अनाउंसमेंट क्या है? सो जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो बेसिकली एक हर एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन पे बेस्ड, या यूं कह सकते हैं कि एक हर एक टॉपिक का ओवरव्यू देने के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया गया है. बट एक वीडियो के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस नहीं कर पाती हूँ. इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि आई नीड असाइनमेंट बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर पाऊँ, वो भी जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर आए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए या सॉल्व करने के लिए आपको फिर से एक काम करना होगा. टेलीग्राम चैनल है हमारा साइंस स्टूडियो के नाम से, तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है. टेलीग्राम को इंस्टॉल करके फिर आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, चाहे आप किसी भी वीडियो को देख लें, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है. तो टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करेंगे, वहां से चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट भी अवेलेबल हो जाएगा. इन केस आप लोगों को मटेरियल का ऐसा शॉर्टेज लगता है या फिर ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो जरूर जाकर चेक करें उसको और सॉल्व करें. अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई डाउट आ रहा है वीडियोस के अंदर या फिर असाइनमेंट में कोई रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर भी लिख सकते हैं. सो देखते हैं यार पहला न्यूमेरिकल क्या है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, शायद यही है नेक्स्ट चैप्टर आई गेस, सो उसको स्टार्ट करेंगे. तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स and the current drawn by the circuit from the battery if no current flows through the galvanometer. The resistance per centimeter of wire AB is 0.01 ohm. मुझे करना है क्या इस क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X. मुझे X की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है. एंड द करंट ड्रॉन, मुझे करंट की वैल्यू भी निकालनी है इस सर्किट के अंदर से. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कब निकालनी है सर्किट के अंदर से? जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है. जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उसके बाद ये भी गिवन है द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर ए बी, मतलब पर सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पर सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस इज गिवन 0.01 ओम. तो बेसिकली ये एक मीटर ब्रिज को डिपिक्ट कर रहा है. मीटर ब्रिज क्या था? बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन था. तो आई गेस आप सब लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में याद होगा. हम पोटेंशियोमीटर भी करेंगे आगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा जो मेन प्रिंसिपल है उसका याद होना जरूरी है. अगर नहीं याद, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो डोंट वरी यार, आई एम हेयर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, जिस किसकी भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर. बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार नटशेल में फटाफट से 1.5x की स्पीड से वीडियो देख के आओ और फिर से न्यूमेरिकल्स पर आते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन के ऊपर. व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखाई देता था, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूं. PQRS बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज होता था, ठीक है. तो उसकी एप्लीकेशन क्या होती थी? मीटर ब्रिज होती थी. तो मीटर ब्रिज तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन PQRS कुछ ऐसा दिखाई देता. तो यहां पर PQRS का रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं हम? एक्स 2 ओम, ठीक है. P जो है बेसिकली वो X वाली रेजिस्टेंस है, उससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड 2 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब Q
क्यू रेजिस्टेंस, उसके बाद एजे तक का जो जितना रेजिस्टेंस है वायर का, रो एल वन अपॉन ए, वो होगा आर वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद जे से लेकर बी तक मतलब एस वाला रेजिस्टेंस। तो ये इंटरकनेक्टेड है, बीच में गैल्वेनोमीटर है जैसे यहां पर है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता था तो क्या होता था, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस की कंडीशन हो जाती थी। आई होप सबको याद है जो कि मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। तो पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, मुझे करना कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है कब, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। इन दैट कंडीशन एक्स बाय में 2 ओम, मैं सिर्फ एप्लीकेशन बता रही हूँ आप लोग को, आपको लिखना है कि व्हेन मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन तो उसके बाद क्या होता है। एक्स बाय टू मतलब कि दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल्स टू इतना रेजिस्टेंस अपॉन में इतना रेजिस्टेंस का रेशियो। अब इतना रेजिस्टेंस मतलब रो एल वन अपॉन ए, सपोज करो ए से लेके जे तक की लेंथ इज एल वन, तो बाकी कितनी बची, 100 माइनस एल वन, बिकॉज दिस इज अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज माने 1 मीटर, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर अगर इसमें से एल वन घटा दें तो बचा 100 माइनस एल वन। तो इसका रेजिस्टेंस इज रो एल वन अपॉन ए, अपॉन में इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो 100 माइनस एल वन अपॉन ए, सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद एल वन बाय एल टू। और आप यूं भी कह सकते हो, तो क्वेश्चन में एक और चीज मिसिंग है जो मैं अभी बता देती हूँ, एक क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी कि एल वन की लेंथ मुझे गिवन है दैट इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बची कुछ लेंथ इज, पूरी लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। सो बेसिकली ये मीटर ब्रिज तो नहीं कह सकते हम इसको, बट हाँ एक दूसरा वर्जन कह सकते हैं जिसका लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर है, बट इसका जो प्रिंसिपल है वो मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। तो 200 सेंटीमीटर में से अगर 120 चले गए तो दैट बिकम्स 80 सेंटीमीटर, तो L1 की वैल्यू इज 120, L2 की वैल्यू बिकम्स 80। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू 2 × 120 / 80, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 3 इज इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 ओम वैल्यू आ जाएगी x रेजिस्टेंस की। अब मुझे क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट इज इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है, किसी भी सर्किट के लिए करंट की ये वैल्यू होती है। मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यार, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस चाहिए इस पूरे सर्किट का, तो ये नेट रेजिस्टेंस मतलब ये नेट रेजिस्टेंस। अब इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकले, P एंड Q दे आर इन सीरीज, ठीक है, तो बिकॉज ए बी के अक्रॉस अगर बैटरी लगी हुई है तो मेरे पास ये दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली आर एस का जो कॉम्बिनेशन है और जो पी क्यू का कॉम्बिनेशन में है वो आपस में तो पैरेलल में है, बट बेसिकली पी क्यू ये सीरीज में है और आर एस भी सीरीज में है, तो पी प्लस क्यू और आर प्लस एस को सॉल्व करके पैरेलल के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस से क्या होगा, V अपॉन R निकाल के मैं करंट थ्रू द सर्किट निकाल सकती हूँ उस टाइम पे। तो एक बार सिर्फ नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, X की वैल्यू मेरे पास आई है 3 ओम, तो 3 प्लस में 2 बिकम्स 5, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो क्या चीज गिवन है, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर, अगर पर सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस 0.01 है तो 120 की कितनी हुई, 120 × 0.01 दैट इज 1.2 ओम, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 80 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बची हुई की, 80 × 0.01, बेसिकली यहां पे सेंटीमीटर में गिवन है तो आप चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट सिंस हम रेशियोज में डील कर रहे हैं तो रेशियोज में इतना काम नहीं होता है, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं भी चेंज करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8, ठीक है। तो अगर मैं R और S मतलब कि ए जे से लेकर और जे बी का जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में है उनको ऐड करूंगी तो 1.2 प्लस में 0.8 बिकम्स 2, ठीक है, और वहां से जो मेरे पास ऊपर का रेजिस्टेंस आया था दैट इज 5, तो 5 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 को अगर सॉल्व करना है मुझे आपस में तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन में सम, तो प्रोडक्ट इज 10 अपॉन में सम इज 7, ठीक है, तो 10/7 मेरे पास ये आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस आ गया है, वोल्टेज का पता है बैटरी लगा रखी है 4 वोल्ट की, तो 4 अपॉन में जब मैं 10/7 करूंगी तो बन जाएगा 2.8 एम्पियर, ठीक है, 28/10, सो 2.8 एम्पियर इज द करंट की वैल्यू फ्रॉम दिस सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा उस टाइम पे 2.8 एम्पियर होगा। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
सो गाइज नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो यार, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से देख के आओ अगर नहीं कंसेप्ट याद है तो। तो पोटेंशियोमीटर का मैं बेसिक सा प्रिंसिपल बता देती हूँ जो कि हमें यूज करने वाले हैं यहाँ पे, किसी भी सर्किट के अक्रॉस, ठीक है, किसी भी अगर मुझे सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो अगर मैं जोकी को इसी डायग्राम को देखें और समझें, तो अगर जोकी की जो निडल है उसको इसके ऊपर स्लाइड करूंगी तो जितने भी लेंथ के अक्रॉस, सपोज करो ए से लेकर जे तक का लेंथ के अक्रॉस मेरा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इट मींस आई जो है उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में से या फिर इस पूरी आर्म में से अगर जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे जो ईएमएफ होता है उस सेल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, और जो ईएमएफ है वो के टाइम्स एल हो जाता है, जहां पे के क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये बात है पोटेंशियोमीटर की। सो आई होप पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल सबको याद आ गया है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो आई गेस आप लोग को सबको इसको ध्यान से समझना चाहिए और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करो यार, कोई भी वीडियो चाहे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आती हैं एट द एंड ऑफ द पेपर, जो कि हम रिवीजन के टाइम कई बार स्किप कर जाते हैं। तो टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2, ठीक है, तो 2 प्राइमरी सेल्स हैं मेरे पास, दे आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर वायर AB एज शोन, ठीक है। इफ द वायर लेंथ, इफ द बैलेंस लेंथ फॉर द टू कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल आर 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ E1:2E2। सो मुश्किल सा लग रहा है देखने में, काफी बड़ा है न्यूमेरिकल, बट डोंट वरी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। दिखने में जो चीज मुश्किल लग रही होती है वो एक्चुअल में आसान होती है। तो क्या समझ में आया क्वेश्चन देख के, 2 प्राइमरी सेल्स है मेरे पास जिनकी ईएमएफ E1 है और E2 है, उनको बारी बारी से कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लगाया गया है। जैसे कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, अगर बेसिकली ये बेस जो है ना वो पहली एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है जहां पे हम ईएमएफ्स को कंपेयर करते थे। सो टू रिमेम्बर इट मैं बता देती हूँ, वहां पे हम क्या करते थे, इसकी जगह पर एक E1 रेजिस्टेंस को लगाते थे, इसकी जगह पर एक E2 रेजिस्टेंस को लगाते थे, और हम क्या कहते थे E1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था L1 के, E2 जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी L2 लेंथ के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहते थे E1:E2 का रेशियो निकालते थे, तो वो L1 अपॉन में L2 के बराबर आ जाता था, तो इससे हम EMFs को कंपेयर कर सकते थे, ठीक है। अब यही काम करना है हमें इसमें भी, तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं। अब सिर्फ इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल भी नहीं, कुछ ट्रिक क्या है कि यहां जो सेल्स हैं, मान लिया एक की बजाय 2 सेल्स को हमने कॉम्बिनेशन में लगाया है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो सपोज करो E है और इसका नेट रेजिस्टेंस इज E-, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, E/E' इज इक्वल्स टू L1/L2। अगर आप ऐसे नहीं भी समझ सकते तो ऑब्वियसली बात है पहले आपको क्या लिख के दिखाना है, जो E का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो इस क्वेश्चन में वो L1 की वैल्यू इज 250 सेंटीमीटर जब गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू इज जीरो, वो लेंथ जो आती है AJ सपोज करो वो 250 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। और अगर मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो जब ये वाला सर्किट मेरे पास मतलब एग्जिस्टेंस में होगा, इस वाले सर्किट की जब बात करेंगे, तो इस सर्किट में से जब मैं ईएमएफ की वैल्यू को मेजर करूंगी तो 400 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ आती है, तो E' की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो मुझे इसको डिवाइड करके E/E' को यूज करके E1 और E2 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब बात यह आती है E1 और E2 को के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं, अगर 2 सेल्स के सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो तो जो ईएमएफ होता है नेट ईएमएफ जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट किस में से किस पे को करोगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो लिखा हुआ क्वेश्चन में E1 जो है ग्रेटर देन E2 है। तो इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होगा नेट ईएमएफ होगा वो E1-E2 होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 250 सेंटीमीटर। और सेकेंड केस में E1 और E2 का जो नेट होगा वो E1+E2 होगा, तो ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, वैसे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात भी करते हैं तो शायद वो भी ऐड हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो E1+E2 की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 400 सेंटीमीटर के, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को रेशियो में डालना है। तो E1 माइनस E2 अपॉन में E1+E2
इज इक्वल्स टू 250 अपॉन में 400। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, ठीक है, ये 5 अपॉन में 8 हो गया। तो E1 इज टू E2 का रेशियो निकालना है, तो मैं थोड़ा और सॉल्व कर रही हूँ इसको। 8 टाइम्स E1 माइनस में 8 टाइम्स E2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स E1 प्लस में 5 टाइम्स E2, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स E1 हो जाएगा और वो उधर जाकर 13 टाइम्स E2 हो जाएगा। तो E1 इज टू E2 का जो रेशियो है वो 13/3 आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, इतना बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन। हाँ, बट क्वेश्चन को लिखने का तरीका अगर परफेक्ट नहीं होगा तो फिर मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स डिडक्ट नहीं कराने, और मार्क्स डिडक्ट नहीं कराने से मतलब है कि पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। पहले तो आप लिखोगे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। E1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 लेंथ के। E1 यहाँ पे बेसिकली E की बात करूंगी, E1 की बात नहीं करूंगी, क्योंकि खुद में ही यहाँ पे E1 और E2 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो सपोज कर लेना इनका नेट अगर E है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, जो कि यहाँ पे 250 दे रखी है। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 400 के। फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करके फिर सॉल्व भी करना है, फिर तो कुछ करना ही नहीं। हाँ, कॉम्बिनेशन को जरूर सॉल्व करके दिखाना राइट साइड में कि E1 और E2 का जो कॉम्बिनेशन है पहले केस के लिए और सेकंड केस के लिए कैसे सॉल्व होगा। पहले केस में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अदरवाइज सीरीज में तो ऐड ही होता है EMF, ठीक है। तो यही काम करना है बस। तो ये मैंने आपको एक पोटेंशियोमीटर का और एक मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, सिंस मुझे एक ब्रीफ आपको आइडिया देना है। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे अगर मैं ध्यान देने लगूंगी तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ अप टू यू नाउ कि आप लोग का कितना डिटर्मिनेशन है, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कितने अच्छे से अपने दिमाग में एकदम बिठाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको ही खुद से मेहनत करनी है, और खुद से मेहनत करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स कहाँ से लोगे, प्रीवियस ईयर कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू डू सम मोर प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर, तो टेलीग्राम चैनल पर असाइनमेंट अवेलेबल है। असाइनमेंट को जस्ट क्लिक करो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर अभी यूज नहीं किया तो कब यूज करोगे इन सब चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने की थी, पहला है गूगल फॉर्म्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार जाकर देखो और उसको ट्राई करो गूगल फॉर्म्स को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट की बात है वो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल को पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक करना। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें।